इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्मार्ट मीटर्स क्या है। तो मैं इस वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे एक बहुत ही सिंपल सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं स्मार्ट मीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्मार्ट मीटर्स की जहां तक बात आती है, तो हम स्मार्ट ग्रिड की अगर बात कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पहले जो कन्वेंशनल ग्रिड्स थे उसमें हमारे घरों में जो मीटर्स लगे होते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि मैनुअल बिलिंग होती है। एक आदमी आएगा और डाटा लेकर के जाता है, उसके हिसाब से जो भी आपका बिल आता है वो आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। और उसमें हम लोग जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होते थे, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको वीडियोज में, उस हिसाब से जो भी प्राइस होता था उसको दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि स्मार्ट मीटर्स का यूज हो रहा है स्मार्ट ग्रिड के हेल्प से। तो स्मार्ट मीटर्स क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले, स्मार्ट मीटर्स आर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस व्हिच टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रियल टाइम प्राइसिंग। रियल टाइम प्राइसिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाएं, वहां पे मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है रियल टाइम प्राइसिंग क्या होता है। तो स्मार्ट मीटर ऐसी डिवाइसेस हैं जो इंश्योर करती हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि हमारा रियल टाइम प्राइसिंग इफेक्टली इम्प्लीमेंटेशन हो उसका स्मार्ट ग्रिड में। और दूसरा, स्मार्ट मीटर्स आर द इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट डिवाइसेज यूज्ड बाय एनर्जी कंपनी टू रिकॉर्ड द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द बिलिंग डिपार्टमेंट एंड टू कस्टमर्स। बेसिकली स्मार्ट मीटर्स ऐसे डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, जो एनर्जी कंपनीज के द्वारा यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? रिकॉर्ड करने के लिए कि हमारा कितना इलेक्ट्रिक का कंजप्शन किया है, हमने किया है, और उसको क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कम्युनिकेट करती है, और जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करती है, और जिसके हेल्प से बिलिंग होता है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट इसमें क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर्स विथ टू वे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज कॉमनली नोन एज एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो रहा है स्मार्ट ग्रिड्स में। तो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स का किस लिए यूज करते हैं? टू वे कम्युनिकेशन के लिए। टू वे कम्युनिकेशन के लिए और डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन जो है टू वे शेयर कर सके, मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके, तो इसको बोलते हैं एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फोर्थ वाला इसके बाद पॉइंट जो है, स्मार्ट मीटर अलाउ द कंज्यूमर टू ट्रैक देयर ऑन एनर्जी यूज ऑफ इंटरनेट ऑन विथ थर्ड ऑन और विथ थर्ड पार्टी कंप्यूटर प्रोग्राम। स्मार्ट मीटर की हेल्प से जो कस्टमर होता है वो ट्रैक कर पाता है कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, किसके हेल्प से, इंटरनेट के हेल्प से या किसी थर्ड पार्टी कंप्यूटर प्रोग्राम के हेल्प से। उसको पता चल जाता है कि हाँ, हमने इतना इलेक्ट्रिसिटी अभी तक यूज कर लिया है और इस रेट से हम मैंने यूज किया है, तो उसका एक बिलिंग का आइडिया हो जाता है स्मार्ट मीटर की हेल्प से। ठीक है, देखिए ये वाला डायग्राम स्मार्ट मीटर का है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं समझाता हूँ आपको। द डाटा इन विच स्मार्ट मीटर इज कलेक्टेड लोकली एंड ट्रांसमिटेड बाय लोकल एरिया नेटवर्क टू द कलेक्टर। जो भी डाटा होता है स्मार्ट मीटर के हेल्प से लोकली हम लोग उसको एक तरह से रिकवर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं किसके हेल्प से, लोकल एरिया नेटवर्क के हेल्प से। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दो टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा छोटे रेंज के लिए यूज होता है, लाइक अगर आप वाईफाई वगैरह यूज करते हो तो लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। वो तो डिटेल की बात है, अलग वीडियो में बना दूंगा, लेकिन इतना यहाँ पे समझो कि स्मार्ट मीटर्स में हम लोग डाटा को लोकली जो ट्रांसमिशन होता है उसमें लैन का यूज करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। राइट, सेकेंड वाला पॉइंट क्या, दैट कलेक्टर रिट्राइव्स प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द डाटा वाय वाइड एरिया नेटवर्क टू द यूटिलिटी सेंटर कलेक्शन पॉइंट फॉर प्रोसेसिंग। जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है डाटा को वाइड एरिया नेटवर्क के हेल्प से, और उसको कहाँ भेजता है, जो भी सेंटर कलेक्शन पॉइंट होती है वहां पर उसको भेजेगा और वहां पे डाटा का प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, तो ये काम होता है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू लैंड टेक्नोलॉजी दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड पावर लाइन कैरियर।
देखिए, पावर लाइन कैरियर और रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो स्मार्ट मीटर है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और द स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी है वो इस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा आपको यूज करना है। तो इस हिसाब से यूज करते हैं कि पहले से हो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं। हम स्मार्ट ग्रिड बना रहे हैं तो जो हमारे पास पहले से ग्रिड अवेलेबल है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होगा, उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक। दूसरा बेसिस क्या होता है जिसके बेसिस पे हम लोग स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं, वो है इम्पैक्ट ऑन लेगेसी इक्विपमेंट। क्या इम्पैक्ट है उसका, जो भी इक्विपमेंट होंगे उस पे, फंक्शनलिटी पे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे, और हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखते हैं कि कस्टमर्स क्या यूटिलिटी, कस्टमर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से हम लोग स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं। तो ये था स्मार्ट मीटर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जाते अपडेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने स्मार्ट ग्रिड से रिलेटेड, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में डाले हुए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें।